हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़े, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके हेयर से रिलेटेड, जैसे कि दिए हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, हमारे बाल झड़ने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं, और हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, इचिंग होती है, हमारे बाल शाइन नहीं करते, हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स का मैं आज सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो वो सोल्यूशन है ये है मेरे पास नेचर श्योर का जोक शैम्पू। इस शैम्पू को यूज़ करने से आपके बालों के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, जैसे कि आपका हेयर फॉल होना, आपके बालों में डैंड्रफ होना, आपके बालों में इचिंग होना, फंगस होना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि ये दूर करता है उस प्रॉब्लम को, और आपके बाल बढ़ भी जाएंगे इससे और बहुत ज़्यादा शाइन करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी भी मैंने इससे हेयर वॉश किया है और आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब बार बार टच करने का मन करता है यार बालों को इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद। तो इस शैम्पू को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रही हूँ इसका। मतलब मेरे जो हेयर फॉल था वो भी कम हो गया है। आप लोग बोल रहे थे कि दी आपका हेयर फॉल नहीं हुआ है कि स्मूदनिंग के बाद, तो जी हाँ मेरा हेयर फॉल हुआ था, बट इस शैम्पू को जब से मैं यूज़ कर रही हूँ तब से मेरा हेयर फॉल बंद हो गया। जैसे कि कलर करना या स्मूदनिंग, केराटीन, ये सारे ट्रीटमेंट की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसी की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। और बालों को झड़ने का एक ही रीज़न नहीं होता है, जैसे कि बालों को झड़ने का रीज़न हो सकता है आपका टेंशन लेना बहुत ज़्यादा, और आपके सिर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होना, ये भी एक रीज़न है बालों का झड़ने का। उसके लिए बहुत सारे आपने घरेलू नुस्खे ट्राई किए होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, काफ़ी सारे आपने शैम्पू भी ट्राई किए होंगे, उससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। शैम्पू यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जोक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जोक किसे बोलते हैं, जो लीच होती है वो लीच को जोक बोलते हैं। लीच थेरेपी के बारे में अगर आपने सुना होगा तो लीच थेरेपी क्या होती है कि जो लीच होता है, मतलब जो जोक होता है, वो आपके बालों में रख देते हैं, वो जो है वो आपका ब्लड सक करता है, उसी की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपके बाल बढ़ने लगते हैं, आपकी बालों की ग्रोथ होती है, आपके बाल झड़ते नहीं है, ये सारा रिजल्ट आपके बालों में देखने के लिए मिलता है। तो ये है लीच थेरेपी, बट हर कोई लीच थेरेपी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसी वजह से ये शैम्पू बनाया गया है। इससे पहले भी मैंने जो ऑयल का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है वो भी नेचर श्योर के ही, आपने अगर उस ऑयल का रिव्यू नहीं देखा है तो उस ऑयल का रिव्यू भी देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप दोनों एक साथ यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्विकली इसका मैं रिव्यू आपको बता देती हूँ। तो गाइज, ये है नेचर श्योर का जोक शैम्पू, ये आपको व्हाइट कलर की पम्प बॉटल में मिलेगा। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपके हेयर में शाइन नहीं है तो ये शैम्पू आपकी हेल्प करने वाला है। ये आपके डैंड्रफ को ख़त्म करेगा, आपके हेयर फॉल को कम करेगा और आपके हेयर में शाइन भी लाएगा। इस शैम्पू की बॉटल आपको 300 ml की मिलेगी और 300 ml के लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी 390 rupees। 390 rupees का आपको ये शैम्पू मिलेगा और इसे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 साल आगे यूज़ कर सकते हो, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ आपको 2 साल मिलेगी। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसमें है एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी और नीम शैम्पू बेस, ये इतने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड है। और अब इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा शैम्पू आपको अपने हथेली पर लेना है और इसे रब करना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिला के इसको ना अपने स्कैल्प पर मसाज करके झाग लाना है, और उसके बाद आपको गुनगुने पानी से इसे धो लेना है। बस इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है और आपके हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और अगर आप नेचर श्योर का ही जोक ऑयल यूज़ करते हो और उसके साथ जोक शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा इसका। ये आपके स्कैल्प इन्फेक्शन को क्लींस करता है, उसके साथ आपके हेयर रूट्स को डीपली नरिश करता है और डैंड्रफ को रिमूव करता है, उसके साथ हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनाता है। इसके साथ अगर आप नेचर श्योर का जोक ऑयल भी यूज़ करते हो तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपको देखना है तो मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और इसे मेन वुमन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जोक ऑयल यूज़ करते हो इसके साथ तो आपको रात को ऑयल को लगा के मसाज करके छोड़ देना है रात भर के लिए, उसके बाद दूसरे दिन आपको जोक शैम्पू से गुनगुने पानी से हेयर वॉश करना है। गाइज, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, लिंक पे क्लिक करके इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हो।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको नहीं पता है कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। जाते जाते लाइक जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।